नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। जोधपुर विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार 27 जुलाई से जोधपुर में प्रारंभ हो रही है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने बताया कि बैठक में धर्मांतरण पर रोक, मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, जनसंख्या असंतुलन, स्वरोजगार, स्वावलंबन, सेवा, समरसता, ऐसे अनेक सामाजिक विषय में चर्चा किए जाने की संभावना है। शुक्रवार को यहाँ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विहिप महामंत्री ने कहा कि बैठक में संगठन की दृष्टि से बने देश भर के सभी 47 प्रांतों से विहिप बजरंग दल दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति से जुड़े लगभग 340 केंद्रीय प्रांतीय व क्षेत्रीय पदाधिकारी अपेक्षित हैं। जोधपुर शहर के रातानाड़ा रोड स्थित माहेश्वरी जनउपयोगी भवन में आयोजित इस बैठक में भारत के बाहर के देशों से भी परिषद के पदाधिकारी भाग लेंगे। आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में विहिप के शिष्टपूर्ति वर्ष के समापन कार्यक्रमों की कार्य योजना भी इस बैठक में बनेगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जाति आधार पर जनगणना का विरोध करती है। जनगणना का एक पुराना इतिहास रहा है। भारत में जनगणना नई नहीं है, लगभग 100 वर्षों से अधिक से जनगणना चल रही है। पूजा उपासना की पद्धति पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो ठीक भी है, क्योंकि कम से कम है किस उपासना पद्धति के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या अनिश्वरवादी कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं, ये सब बात समाज के सामने आनी चाहिए। परंतु जातीय आधार पर जनगणना करने का उद्देश्य ही कुत्सित है। ये पूरे हिंदू समाज को तोड़ने का और इसको बांटने का एक षड्यंत्र है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। वो तो हो ही रही है, वो तो 100 वर्षों से हो रही है। 1911 में पहली बार जनगणना हुई, तब से हर 10 वर्ष में जनगणना धर्म के आधार पर हो ही रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो बाकी अन्य धर्मावलंबी हैं वगैरह, उनके आधार पर जनगणना पहले से चली आ रही है, होती रहे, हमें इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जाति आधार पर हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसके पीछे किसी भी समुदाय के कल्याण की भावना नहीं है। उसके पीछे हिंदू समाज को तोड़ने की और बांटने की एक कुभावना है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं।